तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो। इस वीडियो में हमने कवर किया है रैबिट फार्मिंग को। हमारे पास पिछले कुछ दिनों से दर्शकों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि रैबिट फार्मिंग यानी कि खरगोश पालन से जुड़े हुए भी एक वीडियो बनाई जाए। तो चूंकि एक नया सब्जेक्ट है, मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि कहीं से इसकी पूरी जानकारी मिले, तो हम पहुंचे हैं पैराडाइज रैबिट फार्म। ये देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है जिसने कि कई रैबिट फार्म्स लगाए हैं। इनका अपना एक रैबिट फार्म भी है जिसका कि हमने पूरा कवरेज किया है। ये रैबिट फार्म्स लगवाते भी हैं और इन्होंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है कि कितना इसको लगाने के लिए लागत लगती है, जो प्रोडक्शन है उसे कहाँ पर सेल किया जाए उसमें भी ये मदद करते हैं। तो इस वीडियो को आइए पूरा देखते हैं और इस नए विषय के बारे में जानकारी लेते हैं। जो दर्शक चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन जरूर दबाएं। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार सर। राजेश कुमार, और ये जो आपके जो कंपनी है ये किस नाम से चलती है जी? पैराडाइज रैबिट फार्म के नाम से ये कंपनी चलती है और पिछले 13 साल से सर पैराडाइज कंपनी मार्केट के अंदर काम कर रही है और आज तक कंपनी ने 800 से ज़्यादा फार्म स्टैब्लिश मतलब फार्म सेट करवाए हुए हैं। पिछले 13 साल में कंपनी ने 800 से लेकर 850 फार्म आज तक सेट करवाए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड, चाहे हिमाचल, चाहे पंजाब, चाहे गोवा, कोई भी स्टेट हो, तो हर एक जगह हर एक स्टेट में पैराडाइज कंपनी काम करती है और उसके ऑलरेडी पहले से फार्म चल रहे हैं। तो अब इसके लिए ट्रेनिंग अगर कोई करना चाहता है तो कहाँ से लेगा? इसमें क्या होता है सर, कंपनी सबसे पहले क्या करती है, जब भी कोई भी फार्मर आता है तो पहले हम लोग उसको फार्म की विजिट कराते हैं, उसको फार्म दिखाते हैं, या कोई आजू बाजू में कोई और फार्म है उसके नज़दीक में वहाँ भी हम लोग विजिट करा देते हैं उसकी। उसके बाद अगर जो उसको समझ में आ जाता है काम, तो हम लोग पहले उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ें बताते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। ट्रेनिंग में हम लोग बताते हैं उसको कि इसका दाना क्या होता है, कितनी मात्रा में दाना डालना चाहिए, इसके अलावा कि खरगोश को पकड़ने का तरीका क्या है, मीटिंग किस टाइम करानी चाहिए, बच्चे का वज़न कितने टाइम में कितना वज़न आना चाहिए, ट्रांसपोर्ट इसकी कैसे करवानी है, अभी गर्मी में कैसे करवानी है, सर्दी में कैसे करवानी है, सेट किस प्रकार का बनवाना है, तो कोई मेडिसिन देनी है वो किस तरीके से देनी है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, एज पर रिक्वायरमेंट कौन सी मेडिसिन उसको देनी चाहिए। तो ट्रेनिंग में इस तरीके की बातें हम लोग उसको बताते हैं सर। तो इसके बाद में नंबर आता है जो शेड वगैरह है ये किस टाइप का होना चाहिए? देखिए कि शेड डिपेंड करता है कि फार्मर कितने यूनिट से काम शुरू करता है। मेन बात तो ये रहती है कि जैसे हम लोग एक छोटे से छोटे प्रोजेक्ट की बात करें, एक छोटे से छोटा प्रोजेक्ट सर 10 यूनिट का होता है हमारा पैराडाइज कंपनी का। बाकी उसकी इन्वेस्ट के ऊपर भी बात है कि वो कितने इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करता है। तो मैं एक 10 यूनिट की बात करूँ तो 10 यूनिट के अंदर उसका सेट 30 फुट चौड़ा और 50 फिट लंबा, मतलब टोटल 1500 स्क्वायर फीट उसके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर उससे 400 फुट कम है या ज़्यादा है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए उसके पास। तो एक 1500 स्क्वायर फीट जगह उसके पास होगी तो उसका काम बहुत अच्छे से चलेगा। 1500 स्क्वायर फीट में कितने जानवर का काम किया जा सकता है? तकरीबन 100 जानवर का, जिसके अंदर 70 फीमेल होंगी, 30 मेल होंगे, और उसके रीजनेटेड जो रैबिट निकलेंगे, उसके जो बच्चे निकलेंगे, वो भी इतने एरिया के अंदर इंक्लूडेड रहता है सर। और उसके ऊपर कि सेड की कॉस्ट क्या है, तकरीबन 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में सेड की कॉस्ट आती है। वो स्टेट वाइज रहती है कि किसी स्टेट में लोहा महंगा है, किसी स्टेट में थोड़ा सस्ता है, किसी जगह ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, किसी जगह कम है। और कुछ लोग बांस का भी सेड बना लेते हैं, कुछ लोग लोहे का बनाते हैं, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी जगह है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो कॉस्ट निकली है हमारे हिसाब से, वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपये फार्मर का खर्च आता है सेड के अंदर। तो ये जो शेड के अंदर किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जी? सबसे पहले तो सर शेड के अंदर हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। जैसे हम सर्दी की या गर्मी की बात करें तो सर्दी के अंदर शेड का जो अंदर का टेम्परेचर है, बाहर की हम लोग बात नहीं करेंगे, अंदर की बात करेंगे, तो अंदर का टेम्परेचर तकरीबन 8 से लेकर 10 डिग्री के बीच में ज़रूर हो सर।
इससे डाउन अगर आता है टेम्परेचर तो किसान को वो मेंटेन करना चाहिए फार्मर को। और गर्मी की मैं बात करूं तो 27 से 30 डिग्री का टेम्परेचर अगर शेड के अंदर का है तो सही है, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है जैसे 32 या 35 मतलब इस प्रकार से 32 या 35 के आसपास जाता है तो किसान को वो टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। ये चीज़ें भी शेड का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रेनिंग में फार्मर को एक एक चीज़ नोट डाउन कराते हैं और मेंटेन भी कैसे करना है ये चीज़ भी हम लोग ट्रेनिंग में पूरी उसको सिखाते हैं सर। अच्छा, कुछ अपने इंडिया के अंदर कुछ एरिया में 45-48 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। बिल्कुल जाता है सर। तो वहाँ के लोग इस मामले में काफ़ी परेशान होते हैं कि या उस जगह में इस काम को करें कैसे करें, उसका क्या हल है? सर देखिए, मैंने अभी बताया है लास्ट टाइम आपको कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग ट्रेनिंग उसको देते हैं, जैसे 48 या 49 या 50 तक भी टेम्परेचर जाता है वो शेड के बाहर का टेम्परेचर जाता है ना कि अंदर का। अंदर का टेम्परेचर तकरीबन 10 डिग्री तो वैसे ही डाउन होता है और जो रह जाता है 10 डिग्री और डाउन लेके आना। जैसे हम बोरी के पल की बात करते हैं, फोगर्स की बात करते हैं, ऊपर जैसे शेड का जब वो सीमेंट का शेड है, सीमेंट की सीट का शेड है या लोहे की सीट का शेड है, इन चीज़ों को भी देखते हुए हमें चलना पड़ता है सर। तो डिपेंड करता है, जब फार्मर हमारे पास आता है तो हम लोग उसका टेम्परेचर बिल्कुल उसको समझा के और बता के तो इस तरीके से आप इसको इतना डाउन लेके आ सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं सर। अब जब ये बात आ रही है तो इसके अंदर आपके पास में कितने तरीके के इंडिया में ब्रीड हैं जिनमें से काम किया जा सकता है? देखिए, प्लेन के लिए 6 ब्रीड हैं और सातवीं ब्रीड जो है वो हिली स्टेशन के लिए है। 6 ब्रीड कौन सी हैं, जैसे कि हम बात करें 6 ब्रीड की, जैसे सोवियत चिंचला, ग्रे जाइंट, न्यूजीलैंड वाइट, डच ब्लैक और कैलिफोर्निया, ये 6 की 6 जो ब्रीड हैं ये हमारी प्लेन के लिए रहती हैं। सातवीं एक ब्रीड रहती है अंगोरा, वो सर हिली स्टेशन के लिए है, वो वून के लिए पाई जाती है। और ये 6 ब्रीड जो हैं ये पाई जाती हैं आपकी मीट के लिए, मांस के लिए, मेडिसिन के लिए, रिसर्च के लिए और एक्सपोर्ट किया जाता है सर। ये 6 की 6 ब्रीड को बोला जाता है ब्रेलर हाई ब्रीड। तो ये आप कॉमर्शियल ब्रीड हैं 7 की 7, तो 6 प्लेन के लिए हैं और मीट पर्पज़ के लिए बताया या वैक्सीन के लिए, और सातवीं जो ब्रीड है वो अंगोरा है, वो वाली ऊन के लिए है। तो ये इस 6 की 6 में से कोई भी सिलेक्ट की जा सकती है, इसमें भी कोई स्पेशलिटी है? 6 की 6 ब्रीड पूरी दी जाएंगी, उसमें जैसे कि शोवी चिंचला थोड़ा ज़्यादा ले सकता है वो, या न्यूजीलैंड वाइट ज़्यादा ले सकता है, या ग्रे जाइंट, जो फार्मर की रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से वो ले सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो है अगर इसको स्टार्ट करने के बाद में जो सेल परचेज का है वो क्या सेटिंग रहता है? देखिए, सेल परचेज के लिए क्या रहता है कि पैराडाइज कंपनी जिसको भी माल देगी उससे सबसे पहले एग्रीमेंट करके लेगी। कि एग्रीमेंट का क्या होता है कि एक फार्मर को थोड़ा सा एक श्योरिटी ये मिल जाती है, यार मैं काम तो शुरू कर रहा हूँ। जैसे हम किसी भी ज़मीन जायदाद या मतलब कोई भी, जैसे गेहूं की बात करें या कणक की, इसकी जीरी की बात करें या चने की बात करें या सरसों की बात करें, इसमें किसान पैदा तो कर रहा है लेकिन उसको भाव का एक नहीं पता है। एग्रीमेंट में हम लोग एक उसको श्योरिटी करके दे देते हैं कि भैया आपको ये काम करना है तो आपका जो प्रोडक्शन तैयार हो रहा है तो हम 250 रुपये के जी के हिसाब से आपसे बायबैक करेंगे। किसान को पता लग जाता है कि हमारा किस भाव में हमारा माल बिक रहा है, तो 250 रुपये के जी के हिसाब से हमने उसका ले लिया और हर साल 10% हमने उसको बढ़ाकर देना है सर। तो ईयरली हम लोग उसको 10% बढ़ाकर देते हैं। तो हाँ जी, ये बताओ कि जो हमें ये जो है किसान अगर इस काम को स्टार्ट करता है तो ये जो रैबिट उसको घर में क्या रेट कॉस्टिंग आएगी उसकी? सर देखिए, एक रैबिट जो पैदा होता है वो रैबिट जब से पैदा होता है और 2 किलो का बॉडी वेट टच करने तक तकरीबन 4 केजी दाना खाता है सर। 4 केजी दाना खाता है और 25 केजी हरा चारा खाता है तो वो अपना 2 केजी बॉडी वेट टच करता है सर। तो दाने की जो मैं कॉस्ट की बात करूँ, तकरीबन 100 रुपये का वो दाना खा लेता है और तकरीबन 50 रुपये का हरा चारा, तकरीबन 150 रुपये एक रैबिट के ऊपर हमारा खर्च आता है 0 से लेके 2 केजी तक हमें तैयार करने में। अगर मैं साथ में उसके पेरेंट्स की या मैं लेबर की या कोई लाइट का या मैं कोई और अदर खर्चे लगा के बात करूं तो तकरीबन 100 रुपये एक रैबिट के साथ और हमारा खर्च आ जाता है, तकरीबन 250 रुपये एक रैबिट के ऊपर हमारा खर्च आता है।
अगर टोटल कैलकुलेशन की हम लोग बात करें तो फार्मर एक 1 लाख रुपए का माल सेल करता है अगर, तो तकरीबन 50,000 रुपये उसका खर्च आ जाता है 50%, और 50,000 रुपये तकरीबन वो अपना प्रॉफिट ले लेता है हर महीने। मतलब 50,000, मतलब ये 50% में जो कि हमने 500 रुपये का रेबड़ी बेचा है 2 किलो का जी, वो हमारे घर में 250 रुपये का मैक्सिमम हमें पड़ेगा उसके विद पेरेंट कॉस्ट। ओके, अब ये जो है आपका जो है सेल परचेज एग्रीमेंट किस टाइप से होगा जी? सेल परचेज का मैंने जैसे पीछे भी आपको बताया है अभी, तो ये 5 साल के लिए हमारा एग्रीमेंट होता है। 5 साल में हम 10% हर साल बढ़ा कर देते हैं। तो ये मैंने शायद लास्ट टाइम कि जो बंदा आपके पास में प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहे, कम से कम कितनी लागत में कितना कैसे स्टार्ट करे? देखिए सर, इसके अंदर क्या होता है कि 70 मादा और 30 नर, और उसके खाने पीने के बर्तन जैसे कि फीडर बॉक्स, पानी के लिए वो वाटर निपल भी ले सकता है, कटोरी भी ले सकता है। इसके अलावा सर उसके घर तक की ट्रांसपोर्ट हम लोग उसके घर तक पहुँचा कर देते हैं उसको। उसमें 2 से लेकर 5 दिन तक की ट्रेनिंग हमारी रहती है, एक मेडिसिन किट रहती है, और लीगल पेपर कि वहाँ पर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको परेशान ना करे, सारे पेपर्स हम लोग देते हैं बना के। इसके अलावा एग्रीमेंट सर, तो इस पूरे प्रोजेक्ट की हम लोग 3 लाख रुपये कॉस्ट करते हैं फार्मर से, लेकिन कई बार दूरी और नज़दीकी का भी फर्क होता है। मिनिमम 2,80,000 रुपये रहता है और मैक्सिमम हमारा 3 लाख रुपये रहता है ऑल ओवर इंडिया के लिए। 2,80,000 से लेकर 3 लाख का ये हमारा प्रोजेक्ट है। तकरीबन 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये के बीच में मैंने लास्ट टाइम भी बताया है, तो एक तकरीबन शेड के ऊपर हमारा खर्च आता है फार्मर का। और इस कॉस्ट के अंदर सिर्फ उसको 70 मादा 30 नर जैसे मैंने बताया, ये पूरा 10 यूनिट का एक प्रोजेक्ट बनता है सर। और इसके अलावा अगर फार्मर चाहता है मुझे 15 यूनिट करनी है या मुझे 20 यूनिट करनी है या मुझे 50 यूनिट करनी है, उसके हिसाब से वो चीज़ मल्टीप्लाई होती चली जाएगी सर। तो इसके लिए एक बारी आपका फ़ोन नंबर और बोलना। 9466419455, इन नंबरों पे हमारे से वो कॉन्टेक्ट कर सकते। सर ये जो पैराडाइज कंपनी के अंदर क्या खासियत है कि इसी से व्यवहार किया जाए? देखिए कि पैराडाइज कंपनी एक भारत सरकार मंजूर शुदा कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल डिवीजन से सर्टिफाइड है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि किसी भी कंपनी के पास जो रैबिट की ट्रेडिंग करती है, किसी के पास भारत सरकार से मंजूर शुदा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और मैं किसी भी फार्मर को ये सलाह भी नहीं दूंगा कि जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो मैं उनसे मतलब ये सलाह मैं मेरी तरफ से नहीं रहेगी, तो जैसे बाकी आप फार्मर के ऊपर निर्भर करती है। दूसरी बात, हम लोग प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग देते हैं, तो कोई अलग बंदा इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं देता है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग में इतना सेटिस्फाई करके हम लोग फार्मर को भेजते हैं, उसको 0 से लेकर 100% तक अपनी तरफ से हम देने की कोशिश करते हैं और देके हम लोग भेजते हैं, ताकि फार्म पर जाके फार्मर को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात कि हर एक स्टेट में जैसे कि कोई यूपी है या राजस्थान है या पंजाब है, तो हम लोग वहाँ के हमारे जैसे हमने 15-15, 20-20 फार्मर एक लोग से जोड़े हुए हैं, एक ऑफिस से हमने जोड़ा हुआ है उनको, तो अगर उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उनको डॉक्टर्स की हेल्प की कोई ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम नियरेस्ट जो भी हमारा फार्मर है उसके पास भी जाके वो सहायता ले सकता है, या ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम है तो हम लोग अपने फार्मर को वहाँ पर भेजते हैं जिनका ऑलरेडी पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। धन्यवाद सब आपको इस सारी जानकारी देने के ऊपर। और आपका एक बारी फ़ोन नंबर बताइए सर। हमारे से जुड़ने के लिए 9466419455 एक नंबर हमारा ये रहेगा। दूसरा नंबर हमारा छोटा ब्रदर है प्रवीण, उसका नंबर भी ले सकते हैं 9467125885। इन दोनों नंबरों पे किसी पे भी वो संपर्क कर सकता है। इसके अलावा वेबसाइट्स हैं हमारी पैराडाइज के नाम से, वो गूगल पर भी जाके देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी www.paradiserabbitfarm.com पर भी जाके सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। जो पहले की भी हमारी कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ फार्मर के एड्रेस हैं फार्म हाउस के, तो वहाँ से भी सारी जानकारी ले सकते हैं।